प्रभु त्याग तो महाराज विभीषण ने किया है, जिन्होंने अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध युद्ध किया। राज्य होते हुए भी स्वयं को सभी सुख सुविधाओं से वंचित रखने का त्याग भरत भैया ने किया है। निद्रा और भोजन से वंचित रहकर 14 बरस तन्मयता से आपकी सेवा करने का त्याग तो लक्ष्मण भैया ने किया है। प्रभु त्याग तो माता उर्मिला ने किया है। 14 वर्ष तक एक साध्वी के समान जीवन यापन कर त्याग तो तीनों माताओं ने किया है, जो इस दीर्घ अवधि के लिए अपनी ममता से वंचित रही। प्रभु माता सीता ने किया है त्याग, जिन्हें इस अवधि में राक्षसों के बीच रहना पड़ा। और प्रभु त्याग तो स्वयं आपने किया है, माता से अपनी विरह की वेदना को झेला। प्रभु इन सभी की तुलना में तो मेरी सेवा का कोई महत्व कहां है। प्रभु तुम्हारी सेवा तो अनमोल है हनुमान। यहां पर सभी को उनके त्याग के फल स्वरूप कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ। अंगद युवराज बने, महाराज सुग्रीव को एक मित्र की प्राप्ति हुई, महाराज विभीषण को धर्म पथ का अनुसरण करने के लिए लंका नगरी का राज्य मिला, भरत को उनकी इच्छा अनुसार राजा के रूप में भाई मिला, लक्ष्मण को पुनः भाभी मां का आश्रय मिला, देवी सीता को उनके पति और मुझे अपनी पत्नी का सानिध्य प्राप्त हुआ। परंतु हनुमान तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तुमने जो कुछ भी किया क्या प्राप्त करने के लिए किया? कुछ भी नहीं हनुमान। किसी भी लोभ मोह और कुछ पाने की इच्छा से ऊपर उठकर तुमने ये सब कुछ किया हनुमान। मेरे लिए अपने राजपाट का त्याग किया, माता पिता का बिछोसा। हनुमान तुम्हारे निस्वार्थ भाव और सच्ची भक्ति के कारण ही तुम मुझसे जुड़े हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसके लिए क्या दूं तुम्हें।
क्या दूं हनुमान? सत्य है, ऐसे महान सेवक को कोई भला क्या दे सकता है। प्रभु, प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे सदा के लिए अपने चरणों में स्थान दीजिए। राम से मांगी श्री हनुमाना, प्रभु निज चरण मह दो स्थाना। ना मांगी कपि भोग विलासा, एक बस पद्म चरण अभिलाषा। सियाराम सियाराम जय हनुमान। ऐसी भक्ति न देखी भाई, कपीश बैठी चरण रघुराई। दृश्य महान देखी सब जन जन, प्रभु चरण मह केसरी नंदन। सियाराम सियाराम जय हनुमान। मैं धन्य हूं हनुमान कि तुम मेरे चरणों के समीप हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जिस प्रकार तुमने मेरे और मेरी संपूर्ण सेना के संकट हरे, उसी प्रकार तुम सभी के संकट हरोगे, सभी के संकट हरोगे, सभी के संकट हरोगे। संकट मोचन महाबली हनुमान। संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन महाबली हनुमान की, प्रभु श्री राजा राम की। हनुमान, श्री राम के दिए इस नाम से युग युगांतर तक जाने जाएंगे। जब भी किसी पर कोई संकट हावी होगा तो उसके निवारण के लिए मात्र इस नाम का स्मरण ही पर्याप्त होगा। संकट मोचन महाबली हनुमान। हाँ स्वामी, परंतु प्रतीत होता है कि माता सीता इतने से ही संतुष्ट नहीं है। वो पुत्र हनुमान का धन्यवाद करने के लिए उसे और भी कुछ देना चाहती हैं। प्रभु और मेरी सेवा के लिए हनुमान को मात्र इतना ही प्राप्त हो, ये उचित नहीं। पुत्र हनुमान, प्रभु श्री राम की चरण रज के तो तुम सदा से अधिकारी रहे हो, परंतु मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम द्वारा मुझे दिया गया ये दिव्य मोती उससे कंठहार के भी तुम ही उचित अधिकारी हो। मैं तुम्हें ये भेंट करना चाहती हूँ पुत्र।
ये क्या कर रहे हो तुम पुत्र? इतने अनमोल कंठहार को इस प्रकार खंडित क्यों कर दिया तुमने? माता, मैं यही परीक्षण कर रहा हूँ कि ये कंठहार अनमोल है भी या नहीं। पुत्र, स्वयं पवन देव ने स्वामी को दिया था, तो फिर इसके अनमोल होने में संदेह कैसा? माता, मुझे तो इसमें कुछ भी अनमोल नहीं लगा। ये क्या कह रहे हो तुम पुत्र? क्या ये पवनदीप और अन्य देवताओं का अनादर नहीं? क्या तुम मेरा मान भी नहीं रखोगे? माता, आप मुझे क्षमा कीजिए। किसी का अनादर करना मेरा आशय नहीं था, किंतु मुझे यही ज्ञात हो गया है कि मेरे लिए इसका कोई मोल नहीं है। क्योंकि माता, ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें श्री राम न हो, वो भला मेरे लिए कैसे अनमोल हो सकती है? हाँ माता, जिसमें मेरे प्रभु श्री राम नहीं, उससे मेरा कोई लगाव नहीं। व्यर्थ है वो मेरे लिए। ये क्या कह रहे हैं हनुमान? भैया राम किसी के भीतर कहाँ हो सकते हैं भला? क्यों नहीं हो सकते? मेरे भीतर है प्रभु श्री राम। तुम्हारे भीतर है श्री राम? हाँ लक्ष्मण भैया, मेरे रोम रोम में है प्रभु श्री राम। जो वायु श्वास बनकर मेरे इस शरीर में प्रवाहित होती है, उसमें है प्रभु श्री राम। मेरे स्वप्नों में है प्रभु श्री राम। मेरे तन के कण कण में है प्रभु श्री राम। और मेरे मन के प्रत्येक कोने में बसते हैं प्रभु श्री राम। भावावेश में कहा गया कथन सत्य से कहीं दूर है हनुमान। नहीं लक्ष्मण भैया, इस भक्त की भक्ति असत्य नहीं है। आप मेरी भक्ति पर संदेह मत कीजिए। मुझ जैसे राम भक्त का यही एकमात्र सत्य है, जो मैं अभी यही प्रमाणित कर सकता हूं, दिखा सकता हूं मैं आपको।
क्या करने वाले हैं हनुमान जी? उनमें भैया का वास है, ये कैसे दिखाएंगे वो? अपनी भक्ति का मान रखने के लिए कुछ भी करेगा हनुमान, अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करेगा हनुमान। भैया तो मेरे सामने हैं, फिर उनका हनुमान जी के भीतर होना कैसे संभव है? अब असंभव को संभव कैसे करेंगे हनुमान? स्वामी, ये हनुमान क्या करने जा रहे हैं? जय हनुमान, जय श्री राम। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। हनुमान जी तो अपने वक्ष को ही चीर रहे हैं। मन हनुमंता राम विराजे, रोम रोम में राम ही छाजे, रोम रोम में राम ही छाजे। राम हृदय में बसे हनुमंता, राम नयन में हनुमत साजे, राम नयन में हनुमत साजे। नर रूप धारी जगत उधारी, नारायण है संकट हारी, असुर संहारी रुद्रावतारी हनुमान। जय श्री राम बोलो जय हनुमान, जय श्री राम बोलो जय हनुमान, जय श्री राम बोलो जय हनुमान, जय श्री राम बोलो जय हनुमान। अचरज मह पड़े सब नर नारी, राम भक्त हनुमत जय तुम्हारी। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुच कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, भक्त हनुमान की, परम भक्त शिरोमणि हनुमान की। इस सृष्टि के समस्त इतिहास में, भूत वर्तमान और भविष्य में हनुमान जैसा राम भक्त ना ही हुआ है और ना होगा। प्रभु भक्ति और श्रद्धा के सर्वोच्च प्रतीक हैं हनुमान। राम भक्त हनुमान, मेरे एक प्रश्न पर आपने अपने हृदय से प्रभु को प्रकट कर दिया, अब मैं तो क्या अनंत काल तक आपकी भक्ति पर कोई
प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा। आपके हृदय में राम, आपकी आत्मा में राम, आपके रोम रोम में राम है। पूर्ण रूप से श्री राम में है आप। ये आज मेरे ही नहीं, इस संपूर्ण संसार के समक्ष प्रमाणित कर दिया आपने। आप धन्य है हनुमान। देखिए प्रभु, यही है मेरा एकमात्र सत्य। स्वामी, अपने भोले हनुमान को देखिए, आपकी भक्ति में ऐसा लीन है कि पीड़ा का तनिक अनुभव भी नहीं हो रहा है उसे। हे त्रिदेव, हे त्रिदेवियों, आप सभी से मेरी विनती है कि इस मुस्कुराते प्रभु भक्त की समस्त पीड़ाओं को हर लीजिए। हनुमान, मत छुओ इन मोतियों को, छोड़ दो इन्हें। तुमने सत्य कहा था, ये मोती कितने ही अनमोल क्यों ना हो, परंतु आज राजसभा में तुमने अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा के जो मोती बिखेरे हैं, उसके सामने इन अनमोल मोतियों का भी कोई मोल नहीं। हनुमान, पुत्र हनुमान, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, अपने वक्ष को चीर कर प्रभु श्री राम की छवि दिखाने के तुम्हारे इस पराक्रम की कथा तब तक कही जाएगी जब तक संसार में प्रभु श्री राम की गाथा गाई जाएगी। अर्थात प्रलय काल तक इस घटना का उल्लेख अनेकों प्रकार से होता रहेगा। राम भक्त हनुमान की जय! राम भक्त हनुमान की जय! राम भक्त हनुमान की जय! हनुमान ने एक छोटे से प्रश्न से प्रेरित होकर अपने उर में बसी भक्ति को अपना वक्ष चीर कर दिखा दिया। अर्थात जिनकी सोच में भक्ति हो उनके मन में राम मिल ही जाते हैं, एवं जिनकी सोच में खोट हो उनके हृदय से रावण रूपी राक्षस ही उत्पन्न होते हैं। सोच बदलेगी
शत्रु मिटेगा। या! निशाचरी सोच का संचार करने, शत्रुओं का संहार करने आ गया निशाचर निकम्ब। निशाचर निकुंभ तुम्हें आदेश देता है, एकत्रित हो जाओ यहाँ। एकत्रित हो जाओ यहाँ। किसने किया हम राक्षसों का आवाहन? हम राक्षसों को इस विपदा काल में कौन पुकार रहा है? कौन हमें पुनः एकत्रित करना चाहता है? वो आ गया जिसकी हमें प्रतीक्षा थी, जो पुनः राक्षसों का उद्धार करेगा। देखो ये संकेत, देखो, सुनो ये स्वर, सुनो या वही रक्षा करेगा हमारी। शीघ्र चलो उसके पास। शीघ्रता करो। प्रभु, आज आपने राज्य भार संभाला है, इससे बड़ा उपहार भला कहां मिल सकता था मुझे। प्रभु, मेरी तो मात्र इतनी इच्छा है कि जिस राम राज्य की परिकल्पना आपने की है, मैं उसकी स्थापना में अपना योगदान दे सकूं, ताकि संसार के कोने कोने में विस्तार हो राम राज्य की सोच का। निशाचरी राक्षसी सोच का विस्तार होगा सृष्टि के कोने कोने में, जिसके लिए मैंने विश्व के कोने कोने से तुम्हें बुलाया है। क्योंकि जब बदलेगी सोच तो मिट जाएगा शत्रु। वही छल करेंगे हम, उसी कपट माया को अपनाएंगे हम, जिससे विष्णु ने त्रिपुरासुरों का अंत किया था। तारकासुर के तीन पुत्र विधुनमति, तारकाक्ष और कमलाक्ष त्रिपुरासुर राक्षसों के तीन महानायक थे।
जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने और त्रिलोक पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए गुरु शुक्राचार्य के सुझाव पर कठोर तप कर प्रभु ब्रह्मदेव जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया। फिर आकाश में स्वर्ण दुर्ग से तारकाक्ष स्वर्ग पर पृथ्वी और आकाश के मध्य रजत दुर्ग से कमलाक्ष धरती पर और धरती के नीचे लोह दुर्ग से विंदुनमती पाताल पर राज करने लगे और इनके राजकाज में हम राक्षसों की समृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। परंतु दुष्ट देवताओं से ये ना सहा गया और वो दौड़े दौड़े शिव के पास गए। परंतु शास्त्र विधि से शिव भक्ति करने वाले राक्षस कुछ भी अनुचित नहीं कर रहे थे, इसलिए देवताओं को महादेव के पास से रिक्त हाथों वापस लौटना पड़ा। फिर निराश हताश देवता मायावी विष्णु के पास गए। उन्हें ज्ञात था कि जब तक त्रिपुरासुर धर्म और सदाचार के पथ पर अग्रसर रहेंगे उनका विनाश नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें नष्ट करने के लिए उनकी सोच बदलनी होगी, जिसके लिए अपने महल से विष्णु ने एक मायावी अस्तित्व को रचा। जन्म के उपरांत उस अस्तित्व ने अपने नाम और अपने जन्म का प्रयोजन पूछा तो फिर विष्णु ने कहा, तुम्हारा नाम अरिहन है, मैं तुम्हें सरल भाषा में धर्म विरोधी शास्त्र की रचना करने का आदेश देता हूं। ऐसा शास्त्र जो धरती से पृथक स्वर्ग और नर्क के अस्तित्व को नकार दे। इस शास्त्र का उपदेश त्रिपुरासुरों को दो। यदि उनकी सोच अटल है और महादेव के प्रति उनकी भक्ति अक्षुण है तो कुछ नहीं होगा, अन्यथा उनका विश्वास भटक जाएगा और उनका सत्य उजागर हो जाएगा। तो सर्वप्रथम यह वंचक धर्मोपदेशक अरिहन दार्शनिक का रूप धरकर विंदुनमती के राज दुर्ग में पहुंचा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस जड़ पत्थर को आप दुग्ध से नहलाकर दुग्ध क्यों व्यर्थ कर रहे हैं राजन? अगर दुग्ध बहाने की इतनी ही इच्छा है तो स्वयं दुग्ध से स्नान कीजिए, सुख भोगे राजन सुख, नहीं तो दुग्ध का मिष्ठान बनवाकर उसका आनंद उठाइए। कौन हो तुम और मेरी पूजा में व्यवधान डालने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? अरिहन हूं मैं, परम आनंद प्राप्ति का मार्ग बताने वाला नवीन धर्म का रचयिता। हम तो स्वयं ही शिव जी के भक्त हैं, जो सदैव आनंदमयी रहते हैं। अवश्य, परंतु उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आपको कितना श्रम करना पड़ता है और ये छिपा नहीं है मुझसे। परंतु मेरे पास सुख भोगने की ऐसी कुंजी है जो मनुष्य को बिना श्रम के ही सुख सागर में डुबोकर तृप्त कर देती है। एक एक करके वो अरिहन तीनों भ्राताओं के पास गया, उन्हें वही
परमानंद की कथा सुनाई और उनका ध्यान शिव आराधना से हटाने के लिए उन्हें अधर्म मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प चढ़ाकर पत्थर की पूजा करने से सुख प्राप्त नहीं होता राजन, अकारण परिश्रम है ये, व्यर्थ में समय गवाना है राजन। जो समय आप पूजा पाठ में नष्ट कर रहे हैं उसे सुख भोगने में लगाइए राजन, सुख भोगने में, शक्ति का विस्तार करने में लगाइए, तभी तो सदैव सुरक्षित रहेंगे आप। मेरे बताए हुए मार्ग पर आप चलेंगे तो आपके समस्त सुख द्विगुणित हो जाएंगे राजन। आप अपना समय और अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत कीजिए, डूब जाइए भोग विलास में। ये लघु जीवन होता ही है सुख भोगने के लिए राजन, इसे व्यर्थ में नष्ट मत कीजिए। आपके दोनों भ्राता भी अपना मत परिवर्तित कर चुके हैं, मेरे इस नवीन धर्म को अपना कर स्वीकार कर वो परम सुख समृद्धि और विलासिता की चरम सीमा को भोग रहे हैं राजन। मेरे इस नवीन धर्म को अपना कर स्वीकार कर वो परम सुख समृद्धि और विलासिता की चरम सीमा को भोग रहे हैं राजन। तब हम भी आपके नवीन धर्म को स्वीकार करते हैं। तब तो हम भी आपके नवीन धर्म को स्वीकार करते हैं। तब तो हम भी आपके नवीन धर्म को स्वीकार करते हैं। विष्णु की सिखाई अरिहन की ये छलयुक्त सीख त्रिपुरासुरों को तर्क संगत लगी, उसके लुभाव में विचार सभी ने अपना लिए और त्रिपुर की सोच बदलते ही राजा और प्रजा दोनों पूजा पाठ छोड़कर भोग विलास में डूब गए, जिसके कारण त्रिपुर से भगवान शिव का संरक्षण हट गया। देवताओं की याचना पर महादेव ने त्रिपुरासुरों का वध करना स्वीकार कर लिया। यही समय था जब उन तीनों के महान भव्य दुर्ग वाले नगर एक पंक्ति में भी आने वाले थे। ऐसे में महादेव का रथ बनी पृथ्वी देवी। स्वयं ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक से उतरकर महादेव के रथ पृथ्वी के सारथी बने और विष्णु बने उनका धनुष। बदल कर विष्णु ने त्रिपुरासुरों के संहार का उपाय किया। राम ने धर्म की सोच का प्रचार कर वानरों का सहयोग पाया। वैसे ही हम भी अपनी निशाचरी सोच से धर्म का विनाश कर अधर्म का विस्तार करेंगे। राम की सोच मिटेगी तो राम भी मिट जाएगा।
इस राम का अस्तित्व तो तभी तक है जब तक मैं हनुमान के समान सबके हृदय में अपना स्थान बनाकर उनकी सोच का हिस्सा बना रहा हूं। मैं बस एक इसी ध्येय को धारण कर अपने राज्य की सेवा करता रहूंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री 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 रामचंद्र की। आज जहाँ जहाँ राम की जय जयकार हो रही है वहाँ वहाँ कल हमारी जय जयकार होगी। हमारी जय जयकार होगी। हमारी जय जयकार होगी। हमारी जय जयकार होगी। हम उनके शरीरों पर नहीं उनकी आत्मा और विचारों पर उनके मन पर आक्रमण करेंगे। अयोध्या में धर्म पर आधारित राम राज्य स्थापित होगा। धर्म से भटकाकर राक्षस राज स्थापित करेंगे। जय हो निशाचरी सोच की। जय हो। प्रभु अब हमें आज्ञा दे। अब समय आ गया है कि हम भी यहां से प्रस्थान करें, अपने राज्य जाएं और आपकी सोच का विस्तार करें। प्रभु यहाँ आकर आपको देखकर जो कुछ सीखने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ उसके परिणाम स्वरूप हम अपनी प्रजा की अच्छी सेवा कर सकेंगे। प्रभु मेरी शक्ति तुम्हारे पास भी है। जाओ विश्व के कोने कोने में विषपूर्ण काली निशाचरी सोच का विस्तार करो, अधर्म का विस्तार करो, सोच बदलो, शत्रु मिटा। समय हो गया है, जाना अनिवार्य है, परंतु सत्य कहूं प्रभु, अयोध्या छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। मैं भी आप सभी से विलग नहीं होना चाहता, परंतु आप में से किसी को रोक भी नहीं सकता। क्योंकि हम सभी का अपने अपने प्रजाओं के प्रति एक दायित्व है जिसे निभाने के लिए हमें वहां होना आवश्यक है। इसलिए अपने अपने राज्यों का जो पदभार आप सब पर है उसे निभाने के लिए तो आपको लौटना ही होगा। फिर तो मर्यादा से बंधे प्रभु,
मुझे भी नहीं रोक सकते। हनुमान, तुम महाराज सुग्रीव के मंत्रिमंडल के सदस्य हो, इसलिए तुम भी अपने दायित्व से बंधे हो, इसलिए जाकर भी मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। प्रभु, हनुमान, तुम तो सदैव मेरे हृदय में हो। प्रभु, एक बार तो कहकर देखिए मुझे रुकने के लिए। मेरे प्रभु इतने निष्ठुर नहीं है कि अपने हनुमान को स्वयं से विलग कर दें। अब अवश्य प्रभु का स्वर सुनाई देगा। आई विरह की घड़ी दुखदाई, हो रहे दूर कपी रघुराई। एक सम दोनों रहूं पीड़ा, दो उदासा नयन महनीरा। व्याकुल भगवन व्याकुल कपीसा, देखत भावुक माता सीता। मुड़ी मुड़ी देखी हनुमंत अधीरा, रोकिले कदाचित रघुवीरा। राम सिया राम जय हनुमान। हनुमान, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारी। अपने प्रभु को छोड़कर कैसे कोई भक्त जा सकता है? हनुमान के लिए बहुत कष्टदायी होगा प्रभु से विलग होना। आ,
जान जैसे प्रिय से कौन विलग होना चाहेगा। दोष लगाकर सीते ऐसा क्यों कह रही है? माता, मैं आप पर दोष? कैसा दोष माता? वचन ना निभाने का दोष माता, वचन भूल गए? मैंने तुम्हें कोई वचन दिया था, मुझे वचन पूर्ण करने का अवसर दिए बिना कैसे जा सकते हो तुम? मुझ माँ पर वचन ना निभाने का दोष लगेगा ना? हनुमान अपनी माता पर कोई दोष कैसे लगने देगा माता? माता, किंतु आप किस वचन की बात कर रही हैं? स्मरण करो पुत्र, अशोक वाटिका में जब तुम्हें भूख लगी थी तब मैंने तुम्हें अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन कराने का वचन दिया था। ये मेरा वचन है तुम्हें पुत्र, मैं अति शीघ्र अपने हाथों से भोजन पकाकर तुम्हें परोसने का सौभाग्य प्राप्त करूंगी। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा माता, मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। हाँ माता, मुझे स्मरण हो आया है। तो तुम बताओ पुत्र, यदि तुम ये भी चले गए तो मेरा वचन तो अपूर्ण रह जाएगा। मेरे मस्तक पर वचन ना निभाने का कलंक लग जाएगा। क्या तुम ये चाहते हो पुत्र? माता, मेरे किसी कृत्य से आपका वचन टूटे, ऐसी दृष्टता आपका ये पुत्र कभी नहीं कर सकता। तो रुक जाओ पुत्र, मुझे अपना वचन निभाने दो। उस दिन मैंने तुम्हें भोजन कराने का सुख प्राप्त नहीं कर सकी, परंतु अब मैं तुम्हें अपने हाथ से भोजन करा के पूर्ण दया तृप्त करना चाहती हूँ। माता के नेत्रों से पुत्र के मन की व्यथा कभी नहीं छुपती। माता बिना कहे ही पुत्र की मनोदशा जान लेती हैं। आपने भी मेरे मन की व्यथा को जानकर मुझे प्रभु से इतने शीघ्र बिछुड़ने से बचा लिया। संकोच ना करो हनुमान, रुक जाओ यहां। माता सीता के वचन को पूर्ण करो। प्रणाम माता सीता। प्रणाम प्रभु। वचन निभाई माँ वैदेही, पर
परम चरम सुख कपीश को दे। चतुराई से विरह दी तारी, हनुमत हरस हरस आभारी। राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु श्री राम की जय। 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 ये जयकारों का स्वर व्यथित कर रहा है निकुंभ को। अधर्म का नाश नहीं हो सकता। महामायावी निकुंभ के मायावी राक्षस सेवक धर्म से तृप्त मनुष्यों के मन में सहजता से अधर्म की भूख जागृत कर देंगे। पाप का विस्तार होगा, अधर्म की जय होगी। मैं कुंभकर्ण का पुत्र निकुंभ आ रहा हूं संपूर्ण पृथ्वी पर अधर्म को विस्तारित करने। तीव्रता से जागृत हो गई है माता, कब लाएंगी आप भोजन? अपने हाथ का बनाया हुआ अमृतमय भोजन। माता, अब तो विलंब सहन नहीं हो रहा, अब शीघ्र आ जाइए। भैया, हनुमान तो आपका कार्य करते समय कई दिन तक भूखे रह लेते थे, किंतु आज हनुमान भूख से कुछ अधिक ही व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। मेरे पुत्र के लिए केसर वाली खीर मेवे डाल के, बहुत पसंद है हनुमान को। आहा, क्या सुगंध आ रही है। अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा माता। बस अब हलवा हो गया है, अब इसे चूल्हा से उतार दो। अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई।
पुत्र, ये मोती चूर के लड्डू, ये देसी घी के पूरी, ये हलवा और ये केसरिया खीर, मुझे आशा है कि तुम्हें बड़े ही रुचिकर लगेंगे। हाँ माते, हाँ। इन व्यंजनों की तो सुगंध ही बता रही है माता कि इनसे अधिक रुचिकर कुछ और हो ही नहीं सकता। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो तुम पुत्र? अपना भोजन आरंभ करो। हाँ माते। पुत्र हनुमान तो भोजन पर ऐसे टूट पड़े हैं जैसे भोले भाले नन्हे से बालक हो। प्रतिशोध, पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेगा निकुम। अब अपने प्रकार से कुंभ के मायावी राक्षसों विकार ग्रस्त कर दो इनके मस्तिष्क को। माता, अभी तो ना ही मन भरा है और ना ही उदर। माता, मुझे और भोजन मिलेगा क्या? अवश्य मिलेगा पुत्र, मैंने तुम्हें वचन दिया था ना कि भोजन करा के तुम्हें पूर्णतया तृप्त करूंगी। किंतु माता, भोजन तो इतना स्वादिष्ट और रुचिकर बना है कि मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे आज मेरा मन तृप्त होगा ही नहीं। मेरा मन कर रहा है कि मैं खाता ही रहूं, खाता ही रहूं। श्रम कर अनाज उगाकर मनुष्यों का उदर पोषण करते हैं। मायावी सेवकों, कृषकों के मस्तिष्क में आलस और अकर्मण्यता का बीजारोपण कर दो। विकार ग्रस्त कर दो कृषकों को। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो।
अरे अब कौन कृषि करने जाए धूप में, आओ कुछ मनोरंजन करते हैं बैठकर। मैं तो विश्राम करूंगा। अधर्म फैलाकर अपनी भूख शांत करूंगा। हनुमान को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कब से भूखे। हाँ लक्ष्मण, किंतु अब लग रहा है हनुमान की भूख शांत हो गई। माता, मुझे तो और भूख लगी है। अपनी शुधा को तृप्त करने के लिए हनुमान एक बार सूर्य को भी अपना आहार बना चुके हैं। शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा स्थिति विकटपूर्ण भी हो सकती है। संपूर्ण व्यंजन समाप्त हो गए, किंतु हनुमान की शुधा अभी शांत नहीं हुई। वचन अनुसार अब मैं हनुमान को कैसे तृप्त करूं?